नमस्कार, स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। रायपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, राज्य स्तरीय शिक्षक के सम्मान समारोह के अंदर राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल हुई हैं और सीएम भूपेश बघेल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह भी वहां पर शिरकत हासिल करते हुए नजर आए और राज्यपाल ने 56 शिक्षकों को सम्मानित किया है। शिक्षक दिवस जो है पूरा देश मनाता हुआ नजर आ रहा, उसी में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर राज्यपाल और सीएम भूपेश बघेल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह भी वहां पर मौजूद रहे। राज्यपाल ने 56 शिक्षकों को सम्मानित किया। रायपुर छत्तीसगढ़ की ये बड़ी खबर आपको बता रहा है, जहां पर राज्य स्तर के ऊपर एक टीचर को सम्मानित करने का खास प्रोग्राम रखा गया और उसमें सीएम भूपेश बघेल के साथ साथ शिक्षा मंत्री और राज्यपाल वहां पर मौजूद रहे और राज्यपाल ने 56 शिक्षकों को वहां पर सम्मानित किया, उनको सम्मान दिया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये रायपुर की उस जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो शिक्षक थे उनको सम्मानित करते हुए राज्यपाल नजर आ रहे हैं और राज्य स्तरीय शिक्षा सम्मान का समारोह जो है वो किया जा रहा है और 56 शिक्षकों को वहां पर सम्मानित किया गया, क्योंकि आज पूरा देश एक टीचर डे मनाता हुआ नजर आ रहा है। और सीएम भूपेश बघेल को भी आप देख सकते हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह वहां पर आयोजित किया गया। उधर कांग्रेस कार्य समिति सदस्य कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंची हैं और यहां पर उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां पर उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने ये बताया है कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में होगा और यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर से कन्याकुमारी से की जानी है। ये यात्रा 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरने वाली है और इसके अंतर्गत देश भर के अंदर 3500 किलोमीटर की यात्रा ये पूरी की जाएगी। वहीं पर प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री शैलजा ने बताया है कि सरकार पर भी जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार की कारगुजारी चल रही है, मोदी सरकार के नीचे जन विरोधी कार्य लगातार हो रहा है, महंगाई बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और देश की सार्वजनिक संपत्तियों को निजी क्षेत्रों में बेचा जा रहा है, स्थानों को खत्म किया जा रहा है और संस्थाएं भी खत्म होती हुई नजर आ रही, सामाजिक ताने बाने में सांप्रदायिक के जहर घोला जा रहा है और जो विकास दर है वो भी पैमाने पर बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। सात सितंबर को यह यात्रा शुरू हो रही है कन्याकुमारी से, 12 राज्यों से और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर यह गुजरेगी। 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर कम से कम, ज्यादा हो सकती है, और कम से कम 150 दिन, इससे ज्यादा ही होंगे, कम से कम 150 दिन ये यात्रा चलेगी। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा जी यहाँ पे राहुल गांधी जी। तो वहीं पर खबर अब गांव खैर जीटी कला से है, जहां पर 2 शातिर चोरों की पिटाई का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है और बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने दोनों चोरों को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने दोनों चोरों की जमकर पिटाई कर दी है और जानकारी के मुताबिक पकड़े गए चोर पहले भी चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुके हैं। फिलहाल सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की पुलिस दोनों चोरों को लेकर गिरफ्तार कर आगे की जांच पड़ताल कर रही। वहीं पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है और पुख्ता जांच पड़ताल में लगी हुई है। तो वहीं पर जांजगीर जिले के अंदर पुलिस ने एक ऐसे चोर के गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो घूम घूमकर ट्रक ट्रॉलियों के अंदर चोरी किया करता था और जांजगीर के साथ कोरबा जिले के अंदर भी ये गिरोह सक्रिय होकर लगातार चोरियों की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। इसके बाद चोरों को पकड़ने के लिए एसपी ने पुलिस की एक विशेष टीम का गठन किया और वहीं पर चोरों की तलाश में जुटी पुलिस को सूचना ये मिली थी कि 2 युवक
क्षेत्र के अंदर ट्रक ट्रॉलियों के बेचने को लेकर ग्राहकों की तलाश करते हुए नजर आ रहा। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को हिरासत में लिया और साथ ही पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के बाद रायगढ़ में होने वाले सुरेंद्र पटेल को भी गिरफ्तार कर लिया। इसकी आरोपियों में 3 ट्रॉली बेच दी गई थी और फिलहाल पुलिस ने 1 आरोपी के पास से 1 ट्रैक्टर इंजन सहित 5 ट्रॉलियों को जब्त भी किया है। गांव में ट्रैक्टर ट्रॉलियों की चोरी हुई थी, उसके साथ साथ खरसिया और उर्गा क्षेत्र में भी कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियों की चोरी हुई थी और इसी सिलसिले में गैंग को पकड़ा गया है जो जिसमें मुख्य आरोपी थाना ग्राम बिरगहनी के रहने वाले हैं। ये ट्रैक्टर ट्रॉली को स्पॉट करते थे और ऐसी ट्रैक्टर ट्रॉली जो रोड के करीब है उसको ये रात में मुंडी लेके आते थे और उसको टोचन करके ले जाते थे और रायगढ़ क्षेत्र में उसको बेचते थे। आपको बताएं पुलिस को एक बड़ी कामयाबी यहां मिलती हुई नजर आई है और पुलिस ने वहां पर चोरों का जो गिरोह है उसका भंडाफोड़ किया है। ट्रैक्टर ट्रॉली चोर गिरोह का भंडाफोड़ कर आगे की कार्रवाई पुलिस करती हुई नजर आ रही है। उधर खबर अब दीपिका से आ रही है जहां पर गौरव पथ के ऊपर भारी वाहनों के परिचालन पर लगाम लगाने को लेकर छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना एक बार फिर से आंदोलन शुरू कर दिया गया है और भारी वाहनों में आने जाने को लेकर गौरव पथ का गौरव समाप्ति की ओर है और मार्ग पर कोल परिवहन के कारण सड़क पर कोविड में तब्दील किया हुआ है और जहां पर आए दिन हादसे होते हुए नजर आते हैं। इससे लोगों को काफी नुकसान और परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है और वहीं पर संगठन ने मार्ग पर भारी वाहनों के परिचालन को प्रतिबंधित करने के लिए यह मांग की थी लेकिन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। लिहाजा छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने टेंट लगाकर प्रदर्शन को शुरू कर दिया है और सुबह से ही भारी वाहनों के परिचालन को रोक दिया गया है। आंदोलन करत हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल करत हैं, एक सबसे बड़े मुख्य कारण है ये भारी भारी वाहक जो चला थे कोयला के जो गाड़ी है केला बंद कराए हुआ एक गौरव पथ पर हमन कहते अनिश्चितकालीन हड़ताल करे गए है। और बताना चाहता हूँ कि छोटे छोटे लड़का मान यहाँ आगे में स्कूल है, डीएवी स्कूल है, शिशु मंदिर है, तमाम स्कूल होती पर है और ये बगल में है थॉमस स्कूल है केला तेकर बीचों बीचे भारी वाहक चलत रही तेला मुक्त कराए खातिर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना है यहाँ आंदोलन रखे। तो वहीं पर खबर अब जांजगीर जिले की है जहां पर नगर पंचायत रौरौल के अंदर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और जीडीपी अंजोर फाउंडेशन की ओर से इस शिविर का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी मौजूदगी को दर्ज करवाया और इस दौरान एकता ब्लड बैंक बिलासपुर के डॉक्टरों ने शिविर की शुरुआत की है। करीब 78 लोगों ने शिविर का हिस्सा लिया और जागरूकता के लिए खून का दान भी किया गया। इसी मौके पर संस्था की तरफ से रक्तदान करने वाले लोगों का सम्मान भी किया गया है। स्वर्गीय श्री सीताराम कश्यप जी अध्यक्ष पूर्व नगर पंचायत एवं इंदिरा गांधी महाविद्यालय परिवार के संचालक रहे हैं, उनकी स्मृति में हम जीपीडी अंजोर फाउंडेशन एवं इंदिरा गांधी महाविद्यालय के सौजन्य से देवांगन धर्मशाला रहोत में आज रक्तदान शिविर निरंतर रूप से चालू है। अभी तक लगभग 32 से 33 लोग रक्तदान कर चुके हैं। जिले के अंदर दगड़ू सेवा समिति की ओर से गणेश महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है और समिति की ओर से भव्य स्वर्ण महल बनाकर उसे एक दंत का आकर्षण प्रतिमा को विराजित की गई जिसमें देखने के लिए श्रद्धालुओं को काफी भीड़ उमड़ती हुई नजर आई है और पिछले 25 वर्ष से नगर में इस तरह का आयोजन किया जा रहा जो क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है और लोग बड़े ही धूमधाम से इसको मनाते हैं। गणेश पिछले 20-25 सालों से ज़्यादा बैठते आ रहा है और जबलपुर सीट के नाम से विगत 4 वर्षों से बैठते आ रहा है। पिछले बार इको फ्रेंडली पंडाल हमने बनाया था जिसकी सराहना पूरे क्षेत्र के लोगों ने किया। इस वर्ष हमने स्वर्ण महल में जगड़ू सेठ को विराजमान किया है और क्षेत्र अंचल के लोग पूरे जांजगीर जिले से लोग और
बाहर से भी लोग आके दर्शन कर रहे हैं। उधर नवरात्रि की तैयारियों को लेकर ट्रस्ट की एक अहम बैठक की गई है और इसी बैठक में 9 दिन तक मां की आराधना को लेकर विचार विमर्श किया गया। बताया ये जा रहा है कि हर साल की तरह इस साल भी शारदीय नवरात्र का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और इसी को लेकर मां आदिशक्ति की पूजा अर्चना को लेकर तैयारियों का दौर अभी से शुरू हो चुका है। हालांकि मां माया देवी मंदिर पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए आस्था का मुख्य केंद्र है और वहीं पर 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक मां आदिशक्ति की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना भी की जाएगी। जब भी दो जो नवरात्र होते हैं उसमें ट्रस्टियों के द्वारा एक नगर के गणमान्य नागरिक एवं सहयोगों की एक बैठक होती है। ये बहुत पुरानी परंपरा है ताकि जो भी नवरात्रि के 9 दिन पूरे जो कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से चलें, उसके लिए बहुत सारे सुझाव आए। हर बार सुझाव आते हैं और हम लोगों का प्रयास रहता है कि जो भी सुझाव है उसको अमल में लाया जाए। उधर महासमुंद के अंदर जिला लघु वनु पज यूनियन का चुनाव संपन्न हो चुका है और चुनाव के अंदर 75 सदस्यों ने संचालक मंडल सदस्य के लिए नामांकन को दाखिल भी किए थे और इनमें से 12 नामांकन को चुनाव अधिकारियों ने रद्द कर दिया। चुनाव में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी और विधायक विनोद चंद्राकर के भाई प्रमोद चंद्राकर को निर्वाचित घोषित किया गया था और इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता हितेश चंद्राकर ने इस पूरे मामले को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि महासमुंद को बिहार बनाने की कोशिश स्थानीय विधायकों के द्वारा की जा रही है और इन्होंने चुनाव में किराए पर गुंडे बुलवाकर अजीब तरह की परंपराओं को शुरू भी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि निर्वाचन अधिकारियों और विधायकों की भूमिका को लेकर कोर्ट जाने की बात कही है। ये महासमुंद की आप दरअसल खबर देख रहे हैं जहां पर निष्पक्ष चुनाव न कराने का आरोप जो है वो लगाया गया है और चुनाव निष्पक्ष हो इसकी बात कही गई। लघु वनोपज यूनियन चुनाव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का निर्वाचन अधिकारियों पर आरोप लगा। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर के जो चुनाव है वो निष्पक्ष होने चाहिए और निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाए गए। साफ तौर पर लघु वनोपज यूनियन का ये चुनाव का पूरा मामला है और इसी को लेकर आगे की कार्रवाई की बात की जा रही है। उधर कोरबा जिले के अंदर हर साल की तरह इस साल भी गणेश चतुर्थी के मौके पर ढूडीपारा के अंदर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और साल में एक बार आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता के अंदर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। इस प्रतियोगिता के अंदर पूरे प्रदेश की टीमें हिस्सा लेती हैं और इसी साल रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ सहित अन्य जिलों की टीमें हाथ आजमाती हुई नजर आती। प्रतियोगिता के अंदर खिलाड़ियों के उत्साह को देखते हुए पुरस्कार की विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं और उनका मान सम्मान बढ़े इसका भी खासा ध्यान रखा गया है। हर साल गणेश चतुर्थी के उपलक्ष में किया जाता है। बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ बहुत दूर से आते हैं हर साल। उधर अंबिकापुर जिले के अंदर कोरबा स्थित मार्ग के ऊपर पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया है और सैनिक स्कूल परिसर के अंदर सर्वेश्वरी समूह के सदस्यों ने पौधारोपण किया। आपको ये बताएं कि इस दौरान सदस्य स्कूल के शिक्षकों और छात्रों ने कई प्रजातियों के पौधों का रोपण किया है और इसी अवसर पर छात्रों के पर्यावरण के महत्व के बारे में जानकारियां भी दी गई। स्कूल की वाइस प्रिंसिपल रेणुका यादव ने इस तरह की गतिविधियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इससे आने वाले वक्त में काफी ज्यादा सुधार होता हुआ नजर आएगा और साथ ही साथ सर्वेश्वरी समूह को बधाई भी दी है। यहाँ पे जो वृक्षारोपण हम कर रहे हैं उसके लिए हम ये जो श्री सर्वेश्वरी समूह है उसके हम काफी आभारी हैं जिन्होंने यहाँ पे काफी ट्री प्लांटेशन ड्राइव जो है वो शुरू किया है एंड काफी फ्रूट ट्रीज फलों के पौधे हम यहाँ पे उगा रहे हैं इनके सौजन्य से। यहाँ पर सर्वेश्वरी समूह के सौजन्य से एक वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत कई प्रकार के फलदार और गैर फलदार पेड़ लगाने का कार्यक्रम हुआ जैसे कि इन लोगों ने 166 सर्वेश्वरी समूह के सौजन्य से 166 पौधे लगाए गए।
तो वहीं पर खबर अब धमतरी से है, जहां पर जिले के अंदर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी करके 10 लाख रुपए की कीमत का गांजा जब्त कर लिया है और साथ ही एक महिला तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी मेगा ने बताया है कि तस्करी के अंदर इस्तेमाल की जा रही कार में 2 लाख रुपए बरामद किए गए। पुलिस ने गिरफ्तारी में महिला तस्कर से पूछताछ की है और आगे की जांच पड़ताल करती नजर आ रही है। अवैध गांजा परिवहन को लेकर एसपी साहब द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में कल शाम के सहरा डबली नागा के पास साइबर की टीम और अर्जुनी थाने की टीम द्वारा एक वाहन को चेक किया गया, जो होंडा सिटी कार थी, जिसका सीजी पासिंग 304D01900। इस गाड़ी के को जब चेक किया गया तो इसमें इसकी डिक्की में 51 किलो गांजा मिला है, जिसकी कीमत 10,20,000 रुपए है। अवैध गांजा परिवहन को लेकर एसपी साहब द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में कल उधर महासमुंद जिले की वसना पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लग चुकी है और पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगने से काफी जो लोग हैं वो खुश होते हुए नजर आए। आपको बताएं कि सफलता हाथ चोरों के पास से 7 बाइक बरामद हुई हैं और महासमुंद की ये पूरी घटना है, जहां पर वसना पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगती हुई नजर आई। आपको ये जानकारी दें कि 2 बाइक के चोरों को यहां पर गिरफ्तार भी किया गया है और आरोपियों के पास से 7 चोरी की मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई। पुलिस के अनुसार ये चोर आसपास के एरिए में बाइक की चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे और बाइक की चोरी के बाद ये बदमाश 33 नंबर मिटाकर उसको बेच दिया करते थे। फिलहाल पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। महासमुंद की ये आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर वसना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगती हुई नजर आई। 2 बाइक के चोरों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है और इसको लेकर पुलिस काफी वक्त से जो है इनकी अभियान में लगी हुई थी। चोरों के पास से 7 बाइकें बरामद हो चुकी हैं और एक टीम का पुलिस ने गठन किया और उनके बाद इस बात की भी अब तफ्तीश पुलिस करवाती हुई नजर आ रही है कि कितने बड़े पैमाने पर ये जो गिरोह है ये सक्रिय है और कहां कहां तक इनका नेटवर्क जो है वो कनेक्ट है। उन तमाम बातों को लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस को एक बड़ी सफलता कह सकते हैं, क्योंकि आए दिन इस तरह की घटनाएं जो है वो घटित होती हुई नजर आती थी। 2 बाइक चोरों को यहां गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 7 बाइकें भी पुलिस ने बरामद की हैं। सूचना मिली कि जगदीशपुर रोड ब्रिज के पास 2 लड़के हैं जो कि बिना नंबर की गाड़ी लेकर घूम रहे हैं और जिनकी गतिविधियां संदिग्ध परिलक्षित हो रही है। इस पर तत्काल जो हमारी थाना बसना की जो टीम है, निरीक्षक कुमारी चंद्राकर जी के नेतृत्व में और साइबर टीम जो है संजय राजपूत जी की टीम में, उनके जाकर पतासाजी की गई, जिसको उनके पास 2 बाइक मिली और पूछताछ में उनके द्वारा कबूला गया। इसके अतिरिक्त भी उनके द्वारा जो है 5 बाइक और चोरी की गई है। तो वहीं पर छत्तीसगढ़ के अंदर संचालित स्वास्थ्य सेवा डायल 108 संजीवनी एक्सप्रेस और डायल 112 की सेवा में लगे कर्मचारी लोगों के लिए वरदान साबित होता हुआ नजर आ रहा है और इनकी वजह से कठिन परिस्थितियों में भी आम जनता को आपातकालीन सुविधाएं समय पर मिलती हुई नजर आती है। मामला पौड़ी विकास खंड के गांव धनरास के मामला है, जहां पर 18 वर्षीय युवती बेहोश हो गई और स्थानीय लोगों ने 108 संजीवनी एक्सप्रेस को सूचना दी। स्वास्थ्यकर्मी गांव पहुंचे, लेकिन गांव तक एम्बुलेंस के पहुंचने का रास्ता ना होने के कारण कर्मी पैदल ही गांव में पहुंचते हुए नजर आए और फिर स्ट्रेचर में 2 किलोमीटर पैदल चलकर युवती को एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया और उसके बाद PHC में उसको भर्ती करवाया गया। ये तस्वीरें दरअसल आप देखिए कि 2 किलोमीटर पैदल चलकर वहां गांव के अंदर पहुंचे और मरीज को अस्पताल के लिए भर्ती करवाया गया।
इस सुविधा का काफी ज्यादा लाभ जो है 108 डायल कर्मियों का ये जो जज्बा है और ये जो 108 डायल के जो सुविधाएं हैं उसका लाभ जो है गांव वाले लेते हुए नजर आ रहा है। 2 किलोमीटर तक पैदल चला परिवार और जो वहां का स्टाफ था वो, और पैदल चलकर उसको एम्बुलेंस में जो है वो ले जाया गया, उसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती करवाया जहां उसका इलाज चल रहा है। उधर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई है जब एक युवक जहरीले सांप को अस्पताल परिसर पहुंच गया और दरअसल लखनपुर विकास प्रखंड के ग्राम करई के रहने वाले रंजीत के बड़े भाई को बीती रात दौरान एक सांप ने काट लिया था और घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित के भाई ने जहरीले सांप को डब्बे में डालकर बंधक बना लिया। वहीं पीड़ित युवक को लखनपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर भर्ती करवाया गया जहां से डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जैसे ही अस्पताल में इस बात की जानकारी लगी वहीं मौजूद लोगों में हल्ला मचता हुआ नजर आया है और फिलहाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अंदर पीड़ित व्यक्ति का इलाज किया जा रहा है। अंबिकापुर की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर सांप को लेकर अस्पताल में युवक पहुंचता हुआ नजर आया। दरअसल इसके भाई को जो है वह सांप ने काट लिया था और उसके बाद अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बनता हुआ नजर आया और भाई के सांप के काटने के बाद वो काफी ज्यादा नाराज हो गया और उसके बाद इस तरह की घटना जो है वो घटित होती हुई नजर आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो जहरीला सांप है उसको लेकर वो दिखाई दे रहा है और सांप देखने के बाद अस्पताल के अंदर हड़कंप मचता हुआ भी नजर आ रहा है। अंबिकापुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर भाई के सर्पदंश से नाराज ये युवक था और सांप को लेकर अस्पताल में ये युवक पहुंचता हुआ नजर आया और साथ ही साथ वहां पर जब इस सांप को लेकर पहुंचा तो लोगों के बीच में काफी ज्यादा अफरा तफरी मचती हुई नजर आई और इसके बाद लोग वहां से भागते हुए भी नजर आए। भाई के काटने के बाद इस जहरीले सांप को अस्पताल लेकर पहुंचा और वहां पर फिर जो प्रशासन था, जो सुरक्षा व्यवस्था में लोग लगे हुए थे, वो आगे की कार्रवाई करते हुए नजर आए हैं। उधर कोरबा वन मंडल के बालको रेंज के अंदर अजरगहा बहार सर्किल के गांव डोगाहाट में हाथियों का एक झुंड जो है वो देखने को मिला है और इसी क्षेत्र के अंदर हाथी लगातार किसानों की फसलों को नष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं क्षेत्र के अंदर हाथियों की आवाजाही से वन विभाग सक्रिय हो चुका है और हाथियों को ढूंढने की लगातार कोशिश की जा रही। इधर हाथियों की आवाजाही से क्षेत्र के अंदर दहशत का माहौल बना हुआ है और इसी की वजह से लोग रात भर जागने पर मजबूर होते हुए नजर आए। आपको ये बताएं कि इससे पहले भी हाथियों ने कटघोरा में वन मंडल के अंदर 4 मवेशियों को मौत के घाट उतार दिया था और इससे पूरे इलाके में जो है वो दहशत का माहौल बना हुआ। एक कोरबा की पूरी घटना आपको बता रहे हैं जहां पर किसानों की फसलों को लेकर काफी ज्यादा नुकसान हाथी करते हुए नजर आ रहा है और शहर के अंदर हाथियों का आतंक आने से लोगों के बीच में अफरा तफरी बची हुई है और बालको रेंज में हाथियों का जो दल है वो देखने को मिला और किसानों की फसल एक बड़े पैमाने पर यहां पर बर्बाद होती हुई नजर आ रही। किसान इस बात को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हैं कि जो उनकी फसल है वो काफी ज्यादा बर्बाद हो रही है और इसी को लेकर वन विभाग से भी संपर्क लगातार किया जा रहा है। किसानों की फसल बर्बाद ना हो और हाथियों को सुरक्षित स्थान पर उनकी जगह पहुंचाया जाए, इसको लेकर लगातार प्रयास से किए जा रहे हैं, लेकिन जो हाथियों का जो एक पूरा गिरोह है, जो पूरा दल है, वो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर आता नजर आ रहा है। बालको रेंज के अंदर ये पूरा दल जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लोग जो है वो बहुत ही दूर से खड़े होकर उस पूरे मंजर को देखते हुए नजर आ रहा है। एक बड़े पैमाने पर हाथियों का दल आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लोग वहां पर खड़े हुए अपनी फसल को बर्बाद होते हुए नजर आ रहा है। रात के वक्त भी काफी ज्यादा दिक्कतें लोगों को हो रही हैं और एक सुरक्षा का जो भाव है वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। उसी को लेकर अधिकारियों से और वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों से इस बात को लेकर ज्ञापन और अर्जी लगाई जा रही है कि हाथियों को सुरक्षित उनके स्थान पर पहुंचाया जा सके और इससे जो जन और जो किसानों की जो फसल है वो भी बर्बाद ना हो और जो लोगों की जान है वो भी सुरक्षित महसूस होती रहे।
चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ। मेरी